हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक बहुत ही अच्छी वाली जगह जा रहे हैं। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा। एंड और एक जन है जिनकी अभी से ही पॉकेट थोड़ा खींचना स्टार्ट हो गया है और डर लग रहा है उनको कि आज पता नहीं सुकू क्या क्या खरीद लेगी। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सत्य इससे पहले गए हैं बट मैं कभी विज़िट नहीं किया है मैंने। सो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मैंने सबके वीडियोस वगैरह देखते सबसे सुनती हूँ मैं कि हाँ मतलब सब कुछ पसंद आ जाता है। देखती हूँ मुझे आज क्या क्या पसंद आता है। ये है येनबन तोरगेत और यहाँ से हमको जाना है फ्री आईकिया की बस लेने वहाँ पर। तो ये है वो बस स्टैंड, यहाँ से हमको मिलेगी आइकिया की फ्री बस। और यहाँ पे है चार्ट, तो चलिए पहले चार्ट देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या क्या है। सो यहाँ पे दो जगह हैं, आइकिया फुरसत और आइकिया स्प्लेंडन, तो उसके टाइमिंग्स हैं येनबन तोरगेत में। फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये दो मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सो हम लोग वहाँ पे उतरे और वहाँ से यहाँ पे हमको आना है। सो टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। सो यहाँ से फ्री बस मिलती है आइकिया की, वो लेंगे एंड डायरेक्टली आइकिया पहुँचेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए आइकिया इन गैंग मतलब एंट्रेंस, तो चलिए अंदर चलते हैं। एकदम पूरा ही घर के जैसा ही बना के रखा है, जैसे इसको ले जाके आप प्लेस कर दो अपने घर में। कंफर्टेबल है? If you want, you can sit here and then उसके बाद आप decide कर सकते हो if you want to buy it or not. अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ पे भी यहीं का ही सामान है, तो यहाँ पे यहीं का ही सामान रहते हैं और पूरा ही एकदम रूम की तरह बना के रखा है सब कुछ एकदम। तो आपको एक फेयर आइडिया भी हो जाता है अगर आपको मतलब सजाना है घर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेंगे कहाँ पे रखेंगे, तो बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को। ये शायद बालकनी के लिए है ना। सबके प्राइजेस हैं। सो ये सारे सामान हमारे अभी वाले जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी है। ये वाले मग्स अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ 29 क्रोना। यहाँ पे इसके फैब्रिक्स हैं एंड शेड्स हैं, सो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो लाइक दिस। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है और फैब्रिक कुछ अलग चाहिए सो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये वाला कलर भी मस्त है, अगर किसी का बड़ा घर है सो ये ले सकते हैं, सोने के भी काम आ जाएगा बैठने के भी काम आ जाएगा। ये क्या बनी है? बनी रैबिट मिल से फेस मिलता है। हाँ वैसी है। ये हम लोग बोलते हैं आराम के दर। लग रहा आराम? ओह इट्स सो कंफर्टेबल। ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, इतना साइज़ का है।
बट इसका प्राइस 329 करोना। माय गॉड, यहाँ पे लटकी हुई टंगी हुई कुछ भी आपको दिख रहा है सब ही लेने का सामान है। दिस इज और एक घर। यहाँ पे खाना भी रखा हुआ है। खाना है प्लास्टिक के हैं। ये किचन तो बहुत सुंदर है। कितना? 69। हाँ, बहुत बड़े बड़े। एक देखो ये गत्तों वाले जो ये तीन प्लेट्स नीचे। इसमें बाल्टी भर के कॉफी आएगा एक बार में। बेलन है 69 करोना। 550। इतना मोटा वाला बेलन। हाँ, इसी से पतियों की पिटाई होगी। सोचो अगर तुम्हारी पिटाई होगी तो कैसे लगेगा? ना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। देश छोड़ के भाग जाऊंगा। दिस इज लिविंग रूम। देन इधर से है किचन जहाँ पे सत्य खाना बना रहे हैं। दिस इज किचन एंड डाइनिंग। और यहाँ से ये है बेडरूम। ऑफिस में ऐसे ही लगे रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में है? स्टैंडिंग में से काम कर सकते हैं। हाँ, मस्त है। और बैठ के काम करना है तो नीचे का। अच्छा, अपने हाइट के हिसाब से तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। वाओ, इट्स नाइस। नॉर्वे में किस तरीके का अपार्टमेंट होता है वो आप लोगों को आइडिया आ ही गया होगा यहाँ देखकर। तो कुछ ऐसा ही दिखता है जब हम देखने जाते हैं, तो कुछ अलग नहीं है और यहीं का ही सामान रहता है सब। और मस्त है चूहा। बच्चों को बड़ा मजा आएगा यहाँ पे। अच्छा, मैं तो हमेशा डॉगी चाहती थी ना, एक यही दिला दो। ये मस्त है। वेज एंड चिकन ऑप्शन बहुत ही कम है और वो सारे ऑप्शन है जो हम नहीं खा सकते हैं। सो हमें यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। ओह नो, ये तो एकदम अच्छा नहीं है। और सॉस की कमी है। खुद भी खा के देखो क्या क्या कमी है। बट यहाँ के लोगों को मैंने देखा फीका खाना ज्यादा खाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। कैसा लग रहा है नॉर्वेजियन खाना? बहुत ही फीका है। मजा आ रहा है? बहुत ही फीका खाते हैं।
ये भी फीका, ये भी फीका। ये भी अच्छा है साइज वाइज। सत्य को मिल गया अपना वाला कप। वाह ये मस्त है। चाइनीज वाला है। ये वाला मेरे पास ऑलरेडी है। सो दिस इज 99 क्रोना, मतलब 800 रुपए। बट मेरे पास जो है वो मैंने 400 में इंडिया में खरीदा था, तो आप डिफरेंट समझ सकते हो। सो ये है यहाँ का वेयर हाउस, जो बड़े बड़े आइटम्स है लाइक बेड, सोफ़ा, देन टेबल, वो सब चीज़ें आप ऊपर से तो उठा के नहीं ला सकते हो, तो उसमें ना एक टैग रहता है, उसका पिक्चर आपको लाना पड़ता है। और वो टैग आप यहाँ पे आके शो करते हो तो वो आइटम का फ्रेश पीस आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये है वो जगह जहाँ से आपको वो आइटम्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सुकू, आके आके कैसा लगा? अच्छा था, ठीक था, बहुत हाँ। ज़्यादा मैं पगला ही नहीं, तो ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इतना मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वाह मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। यहाँ नॉर्वे में ना सेल्फ चेकआउट पेमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आपको खुद को ही आपके सामान को स्कैन करके पेमेंट करना पड़ता है। बेसिकली ये जो कंट्री है यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हमारी शॉपिंग हो गई और जैसे ही हम निकले हमें अपनी बस भी मिल गई, तो अभी बस में बैठे हैं और अभी घर जाएंगे। 15-20 मिनट लगेगा, तो यहाँ फटाफट से सब कुछ हो गया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे बसेस जो हैं वो आधे घंटे बाद हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, जल्दी से मिल गई हमें। मौसम देखो कैसा बदल गया। हाँ, हम अंदर खाना खा रहे थे तो बारिश तेज। हाँ, अभी तो धूप। हाँ, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता है, बाहर पूरा धूप है, अच्छा वेदर हो गया एकदम। तो यहाँ पे अभी हो रही है बारिश और हम लोग अभी छतरी के नीचे और वो गाना नहीं गा सकते, छतरी ना खोल बरसात।
इसको अंदर रखो, टेस्टिंग हमने नहीं की है। कुछ नहीं होगा, एकदम सही है। बारिश अपन का कैमरा वाटरप्रूफ है। सो आज बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं किया, एंड बहुत सारी चीज़ें पसंद की है, शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, फिर देखते हैं। और अभी घर जाते हैं एंड ठंडी बढ़ रही है, ऊपर से पानी, ओह माय गॉड, तो एक अच्छी वाली कॉफ़ी बनाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। दो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था, सो आप लोगों को पता है, बट स्टिल मैं अभी दिखा दूँगी कि क्या लेकर आई हूँ एंड यहाँ की कॉस्टिंग कैसी है। सो हम घर वापस आ गए, आते ही बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश तो हो रही थी बट जैसे ही घर घुसे उसके बाद तेज बारिश हो रही है। सो आज मैंने शॉपिंग किया इतना सारा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ। बहुत ज्यादा तो लेकर नहीं आई हूँ, और कुछ कुछ चीजें मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है क्योंकि अभी टेम्पररी घर पे है। सो जैसे कुछ मिलता है उसके बाद देखेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो अभी पहले से ही सब कुछ भरना नहीं है, तो इसीलिए कुछ काम की चीजें लाई हूँ जो मुझे अभी जरूरत है फिलहाल के लिए। सो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। पहली चीज जो मुझे दिखी वो है ये चीज, ये वाली। यहाँ पे ना रोटी वगैरह तो उतना ज्यादा होता नहीं, पराठे वगैरह ज्यादा होते हैं, तो उसमें ऑयल लगाने के लिए ना ये बेटर है, बिकॉज मैं ऐसे ही नॉर्मली चम्मच से देती हूँ ना तो बहुत ज्यादा ऑयल हो रहा है, तो वो रेगुलर बेसिस पे खाना ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए ये मुझे जरूरत थी तो मैं ये लेकर आई हूँ, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये एक डब्बों का सेट। इतने सारे आपको डब्बे मिल जाते हैं, ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे डब्बे नहीं है तो सब चीजें स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती है। प्लेट्स वगैरह तो है तो उससे काम हो जाता है, बट कुछ कंटेनर वगैरह नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। देन मैं लेकर आई हूँ ये एक, लाइक एक के साथ एक है, मतलब दो दो का सेट, एक छोटा और एक साइज में बड़ा। डेप्थ आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो आटा वाटा गूंद सकते हैं, तो इसीलिए मल्टीपर्पज है, तो मैंने भी बोला ले लो, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, स्टडी है, तो मैंने बोला चलो ये ले लेते हैं, काम आएगा, तो ये है। एंड लास्ट मैं लेकर आई हूँ ये एक सिप। अब सीपर क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज का बहुत ज्यादा कॉस्ट है और यहाँ की कॉफी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती बिकॉज बहुत स्ट्रांग होती है, तो मैं खुद की कॉफी खुद ही बनाना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ ताकि कभी बाहर अगर जाए तो मैं अपना कॉफी खुद ही बना के लेके जा पाऊँ, बिकॉज मुझे यहाँ की जो स्ट्रांग कॉफीज होती है वो अच्छी नहीं लगती है, तो ये सोचकर मैं लेकर आई हूँ। तो दैट्स ऑल, यही चार सामान है, मैंने कहा था कि ज्यादा मैंने चीज नहीं लिया है, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो मेरे पास बिल है, तो उसकी ये सारी जो चार चीजें है ये आई है 246 नॉक में। एंड आज का जो हमने खाना खाया था, जो आपने देखा, एकदम अच्छा नहीं था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, बहुत ही फीका खाना था आइकिया में। सो बन वगैरह था, लेकिन वही है, आप घर में भी बन खाते हो, वहाँ पे बन क्या खाना, तो खाना बहुत ही फीका लगा मुझे। और वही खाना जो आपने देखा उस पे जो बिल आया है वो है 262 का। सो जितना सामान मेरा आया है उससे ज़्यादा तो मैंने खाने पे वेस्ट कर दिया अपना पैसा। सो या तो मैं ये बताऊँगी, अगर आप लोग इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या नेपाल, मतलब उस साइड से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा, तो अपने लिए कुछ फूड बाहर से पहले से ही पैक करा लेना, लाइक मैकडी वगैरह से अगर हो सके बर्गर वर्गर ले लेना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड वो आपका पेट भी भर देगा और आपका टेस्ट भी रहेगा, मतलब ये सब खाना खा के आप पछताओगे नहीं, बिकॉज कुछ भी नहीं था, उसका भी 262 नॉक का बिल आया। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का हमारा दिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई केयर टूर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा विद द बेल आइकन, और लाइक करना ना भूले वीडियो को। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.